दोस्तों ये डायलॉग कहे थे सुपरस्टार शशि कपूर ने। दोस्तों अब थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम जानने वाले हैं शशि कपूर जी के बारे में। तो इनका जन्म 18 मार्च 1938 को कोलकाता में महान अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के घर हुआ और इनका प्रारंभिक नाम बलबीर राज कपूर था। दोस्तों इसी घर में इनसे पहले दो और महान अभिनेता राज कपूर और शमी कपूर का जन्म हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा डॉन बॉस्को स्कूल मुंबई से प्राप्त की। इस समय इनके साथ मशहूर क्रिकेटर फारूक इंजीनियर भी पढ़ रहे थे और जब इनकी गर्मियों की छुट्टियां होती तब इनके पिता श्री पृथ्वीराज कपूर इन्हें थिएटर करने को ले जाया करते थे और इसी थिएटर की वजह से ही इनकी मुलाकात 1956 में इंग्लिश एक्ट्रेस जेनिफर कैंडल से हुई, जिससे इन्होंने मात्र 20 साल की उम्र में 1958 में शादी कर ली। शुरू में तो जेनिफर के पिता इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, अरे रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इनके फिल्मी सफर की। दोस्तों इन्होंने अपने करियर की शुरुआत ऐसा चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म आग से की, जिसे इनके बड़े भाई राज कपूर जी ने निर्देशित किया था, लेकिन इन्हें ऐसा चाइल्ड आर्टिस्ट पहचान मिली फिल्म आवारा से, जिसमें इन्होंने राज कपूर जी के बचपन का किरदार निभाया था। इसके बाद इन्होंने कई सारी फिल्मों में ऐसा चाइल्ड आर्टिस्ट ऐसा सपोर्टिंग रोल काम किया। इन्होंने कई सारी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के भी रूप में काम किया। फिर आई इनकी फिल्म जिसमें इन्होंने लीड रोल निभाया और वो फिल्म थी फिल्म धर्मपुत्र, जिसे महानिर्देशक यश चोपड़ा जी ने डायरेक्ट किया था। यह फिल्म 1961 में आई थी। हालांकि यह फिल्म बहुत ज़्यादा हिट तो साबित नहीं रही, लेकिन इस फिल्म से शशि कपूर जी ने अपनी छाप फिल्म जगत में छोड़ दी। दोस्तों इन्होंने कुल 116 हिंदी फिल्मों में काम किया, जिसमें 61 फिल्मों में ये सोलो लीड हीरो थे। दोस्तों शशि कपूर जी को अपनी एक्टिंग से बहुत ज़्यादा वाहवाही मिली, लेकिन इनकी ये प्रारंभिक फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज़्यादा कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन इनकी किस्मत बदली 1961 के बाद। और इनकी किस्मत बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका रही मशहूर एक्टर नंदर की। इन्होंने उस समय शशि कपूर जी के साथ 8 फिल्में साइन की, जिसमें से जब जब फूल खिले बहुत ज़्यादा कामयाब रही, जिसके बाद से शशि कपूर जी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक रात जो थम गए तो कुछ नहीं। अगर हम इनकी सबसे ज्यादा फेमस मूवी की बात करें तो वो थी सत्यम शिवम सुंदरम, त्रिशूल, कभी कभी, दीवार और रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ सिलसिला। और इसमें 1986 की फिल्म न्यू दिल्ली टाइम्स भी शामिल है, जिसके लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड प्राप्त हुआ। इन्होंने 1998 में फिल्मों से रिटायरमेंट ले लिया, जहाँ वे आखिरी बार एक्टिंग करते हुए फिल्म जिन्ना में दिखे। तो अगर हम इनके पर्सनल लाइफ की बात करें तो इन्होंने 1958 में जेनिफर कैंडल जी से शादी की थी, जिनकी मृत्यु कैंसर की वजह से 1984 में हो गई थी, जिसके बाद शशि कपूर जी डिप्रेशन में चले गए थे। और इनके 3 बच्चे हैं, जिनका नाम कुणाल कपूर, करण कपूर और संजना थापर है। दोस्तों अगर हम शशि कपूर जी की उपलब्धियों की बात करें तो इन्हें अपने जीवन काल में 4 नेशनल फिल्म अवार्ड के साथ साथ 2 फिल्म फेयर अवार्ड भी प्राप्त हैं। और इन्हें फिल्म जगत में इनके योगदान के लिए 2011 में पद्म भूषण और 2014 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। यह अवार्ड पाने वाले यह कपूर फैमिली में पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर के बाद तीसरे कपूर हैं। फिर आया साल 2017, फिल्म जगत के लिए एक दुखद समय। तारीख थी 4 दिसंबर 2017। इसी दिन शशि कपूर जी ने कोकिलाबेन हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांस ली।